नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्मी बीट में। आपके साथ मैं हूँ दीपिका नयाल। परिणीति चोपड़ा और अर्जुन कपूर की फिल्म नमस्ते इंग्लैंड आज रिलीज हो गई है। फिल्म के ट्रेलर और गानों को फैंस का अच्छा रिस्पांस मिला है। अब देखना ये है कि ये सुपरहिट जोड़ी एक बार फिर ऑन स्क्रीन अपना जादू चला पाती है या नहीं। सबसे पहले बताते हैं आपको फिल्म की कहानी। फिल्म में दर्शकों को पंजाब की खुशबू और इंग्लैंड की खूबसूरती दोनों ही नजर आएगी। ट्रेलर देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म की कहानी लड़कियों की आजादी और एक लड़के के प्यार वापस हासिल करने के आसपास घूमती है। फिल्म में परिणीति शादी के बाद अपनी आजादी की तलाश में इंग्लैंड चली जाती है। उन्हें वापस लाने अर्जुन भी वहां पहुंच जाते हैं। ट्रेलर में पंजाब की खूबसूरती के साथ साथ इंग्लैंड के खूबसूरत सीन्स भी दिखाए गए हैं। फिल्म का निर्देशन विपुल शाह ने किया है और वही प्रोड्यूसर भी हैं। और इसे लिखा है सुरेश नायर और रितेश शाह ने। अब आपको बताते हैं फिल्म का रिव्यू। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म में कई सीन्स और सीक्वेंस ऐसे रखे गए हैं जो ना तो असल जिंदगी में हो पाना मुमकिन है और ना ही उन्हें होना चाहिए। फिल्म में बेवजह का ड्रामा क्रिएट किया गया है। साथ ही इस तरह की कहानी को बुना गया है कि वो भी काफी ज्यादा वीक है। फिल्म में अर्जुन का गैर कानूनी तरीके से इंग्लैंड जाना हो या शादी के बाद परिणीति चोपड़ा को नौकरी की इजाजत ना देना हो, इन सभी सीक्वेंस को ओवर मेलोड्रामा के तहत क्रिएट किया गया है। फिल्म की कहानी फैंस को सिनेमाघरों तक खींच पाने में शायद कामयाब ना हो, लेकिन फिल्म के गाने फैंस द्वारा पसंद किए जा रहे हैं। फिल्म के गानों में पंजाबी फ्लेवर डाला गया है। साथ ही एक सुपरहिट गाने प्रॉपर पटोला को भी रिक्रिएट किया गया है। बात अगर अर्जुन और परिणीति चोपड़ा की करें तो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छी केमिस्ट्री शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। फिल्म इश्कजादे में भी दोनों की जोड़ी को फैंस ने काफी ज्यादा पसंद किया था, लेकिन इस फिल्म में दोनों के ही किरदार को बेहद कमजोर तरीके से तैयार किया गया है। बात अगर फिल्म को मिले स्टार्स की करें तो फिल्मी बीट ने फिल्म को 2 स्टार दिए हैं। बहरहाल आप भी फिल्म देखिए और हमें बताइए कि आपको फिल्म कैसी लगी। खैर हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।